साथियों, विद्यार्थियों के कितने अंकों पर कौन सा ग्रेड हम देंगे इस बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस ग्रीन बोर्ड पर एक तालिका हमने बनाकर रखी है। यहाँ पर हमने पूर्णांक लिखा हुआ है 40, 50, 60, 100, 150, 20 और 2। इन पूर्णांकों में से जो भी प्राप्त अंक होंगे, ठीक है, उसके आधार पर ए बी सी डी ई में से कौन सा ग्रेड देंगे इस बारे में जानते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह दिशा निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र का है और इसी दिशा निर्देश में अंक सूची का प्रारूप दिया गया है। और इस प्रारूप में स्कोर में आप देखेंगे तो ग्रेड से संबंधित जानकारी दी गई है, जैसे कि हमने यहां पर अंकित किया हुआ है 75 से 100% अंकों के बीच, यदि 75% से 100% के बीच विद्यार्थियों को प्राप्त अंक मिलते हैं तो उसे ए ग्रेड प्राप्त होगा, 60 से 75 के मध्य बी ग्रेड, 45 से 60 के मध्य सी ग्रेड, 35 से 45 के मध्य डी ग्रेड और 33% से नीचे प्राप्त अंक पर ई ग्रेड प्राप्त होगा। तो यहाँ आप देखेंगे जो पूर्णांक है, ये पूर्णांक हमने क्यों रखा है, क्योंकि हमें स्थानीय परीक्षा जो कक्षाएं जैसा कि कक्षा 3, 4, 6 और 7 का ही परीक्षा परिणाम तैयार करना है। और इसमें आप देखेंगे तो अर्धवार्षिक परीक्षा में 50 पूर्णांक थे, ठीक है। बात करें हम वार्षिक की तो वार्षिक में प्रोजेक्ट और लिखित, तो प्रोजेक्ट में 40 अंक और लिखित में 60 अंक, अगर इनका टोटल करें तो 100 अंक हो जाता है। और फिर हम बात करें अर्धवार्षिक और वार्षिक मिलाकर तो 150 अंक। साथ ही हमने यहां पर 20 पूर्णांक भी लिखा है, क्योंकि यहां जो परीक्षा दिया गया आगे रिजल्ट शीट तैयार करने के लिए, तो इस रिजल्ट शीट में भी आप देखेंगे तो यहां 20 अंक सह शैक्षिक या व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के लिए भी दिए गए हैं। इसलिए हमने 20 अंक के आधार पर भी बताने का प्रयास किया करेंगे यहां पर भी। और फिर बात करें हम मासिक मूल्यांकन पंजिका में, तो मासिक मूल्यांकन पंजिका में माहवार सह शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के हम 2-2 अंक देते हैं, तो 2-2 अंकों के आधार पर भी हम ग्रेड निकालने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे कितने प्राप्त अंकों पर कौन सा ग्रेड दिया जाएगा। साथ ही हम आपको बताएंगे किस तरह से हम ये अंक निकाल सकते हैं जो पूर्णांक दिया गया है, उस पूर्णांक में से जैसा कि ये दिए गए हैं, ठीक है, इस आधार पर जो ग्रेड है उनका आधार से निकाल, वो भी हम बताएंगे आज में। तो हम सबसे पहले सूची देख लेते हैं, तो सूची में क्या दिया हुआ है, सूची में आप देखेंगे तो 40 पूर्णांकों पर सबसे पहले हमने बताया है, फिर 50 अंकों पर, फिर 60 अंकों पर। तो ये जो 40 पूर्णांक है इनमें इससे हमने ये निकाला है ए बी सी डी और ई ग्रेड के लिए प्राप्त अंक, ठीक है। आप देखेंगे जैसा कि यहां पर ये जो सूची थी इसी आधार पर हमने यहां पर निकाला है, यदि विद्यार्थी को 40 पूर्णांक है और 30 से 40 के मध्य प्राप्त अंक मिलते हैं उसको तो ए ग्रेड प्राप्त होगा, बी ग्रेड के लिए 24 से 29, सी ग्रेड के लिए 18 से 23 और डी ग्रेड के लिए 13 से 17 के मध्य यदि प्राप्त अंक होते हैं विद्यार्थी के तो उसे डी ग्रेड देना है और 12 प्राप्त अंक से नीचे ई ग्रेड होगा उसका, ठीक है। बात करें 50 पूर्णांक पर आधारित, तो 38 से 50 के मध्य यदि अंक मिलते हैं विद्यार्थी को ए ग्रेड, 30 से 37 बी ग्रेड, 23 से 29 सी ग्रेड, 17 से 22 डी ग्रेड और 16 से नीचे ई ग्रेड। हम बात करते हैं आगे 60 पूर्णांक पर आधारित, तो 45 से 60 के मध्य ए ग्रेड, 36 से 44 के मध्य बी ग्रेड, 27 से 35 के मध्य सी ग्रेड और 20 से 26 के मध्य डी ग्रेड और 19 से नीचे के प्राप्त अंकों पर ई ग्रेड। आगे हम बात करें 100 अंकों पर, तो 100 अंक यहां तो दिया ही हुआ है, बस यही लिख देना यहां पर, तो 75 से 100 के मध्य यदि मिलते तो ए ग्रेड, 60 से 74 के मध्य मिलते तो बी ग्रेड, 45 से 59 के मध्य मिलते तो सी ग्रेड, 33 से 44 के मध्य मिलते तो डी ग्रेड और 32 से नीचे मिलते हैं तो ई ग्रेड प्राप्त होगा। यहां पर एक बात ध्यान देने की है कि जो प्रगति पत्रक दिया है उसमें यहां पर 75 से 100, 60 से 75, यानी 75 यहां पर, 75 यहां पर भी दिया है, ठीक है, फिर ये 45 से 60, 60 यहां भी, 60 यहां पर भी, ठीक है, इसमें 45 यहां पर भी, 45 यहां पर दिया हुआ है। तो यहां पर एक काम ये करना है कि एक अंक कम कर देना है, जैसा कि हमने यहां दिखाया आपको कि 75 से 100 के मध्य ए ग्रेड, फिर 60 से 74, 75 में 74 कर दिया हमने तो वो बी ग्रेड, फिर यहां 45 से 59 या 60 में 59 कर दिया तो सी ग्रेड, इस तरह से आपको ध्यान देना है। आगे हम बात करें 150 पूर्णांकों में से, तो 113 से 150 के मध्य ए ग्रेड, 90 से 112 के मध्य बी ग्रेड, 68 से 89 के मध्य सी ग्रेड, 50 से 67 के मध्य डी ग्रेड और 49 से नीचे प्राप्त अंकों पर ई ग्रेड प्राप्त होगा। तो यह हमने आपको बता दिया जितने अभी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थियों को पूर्णांक थे उनके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं 20 पूर्णांकों पर
जो प्राप्तांक होंगे तो उसके क्या ग्रेड मिलेगा। तो 20 यदि पूर्णांक है तो 15 से 20 के मध्य यदि प्राप्तांक है विद्यार्थी तो ए ग्रेड, 12 से 14 बी ग्रेड, 9 से 11 सी ग्रेड, 7 से 8 डी ग्रेड और 6 से नीचे ई ग्रेड। आगे हम अब दो अंकों का यदि पूर्णांक है तो उस पर भी हम ग्रेड बता देते हैं। जैसे दो पूर्णांक है तो 1.5 अंक से 2 के मध्य है तो उसको ए ग्रेड मिलेगा विद्यार्थी को। 1 से 1.4 के मध्य तो बी ग्रेड, फिर 0.9 से 1 के मध्य है यहाँ पर हम चाहें तो 0.9 भी कर सकते हैं यदि ये मिलता है तो सी ग्रेड, और यहाँ पर डी ग्रेड की बात करें तो 0.7 से 0.8 के मध्य यदि मिलता है विद्यार्थी को तो डी ग्रेड, और 0.6 के नीचे यदि विद्यार्थी के यानी आधा अंक से नीचे है तो उसे ई ग्रेड प्राप्त होगा। तो ये मैंने आपको तालिका बता दिया। आइए अब हम जानते हैं कि कोई भी पूर्णांक हो, पूर्णांक जैसे 200 है मान लो, 100 है, 50 है, कितने पूर्णांक है उस आधार पर आप आराम से बड़े आसानी से ये ग्रेड निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर अभी जो 40 पूर्णांक है इस आधार पर किस प्रकार ने ग्रेड निकाला। जैसे हम मान ले कि पूर्णांक कितना है 40 है और हमको 40 का 75% निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। 40 में हम 75% का गुणा कर देंगे। अब इसे हल करना बस कुछ नहीं करना है तो हल करेंगे इसलिए क्या करना होगा, 40 गुणा 75% निकालो, 75% के क्या हो जाता है नीचे 100 हो जाता है। अब इसको हल कर लीजिएगा ठीक है, 25 का ने 25 किया 75, 25 चौके 100 ठीक है, और यहां पर आगे 40 का गुणा 3 में करेंगे तो 120 आ जाएगा, उसमें 4 का भाग देंगे 4 किया 12 और यहां पर ये इस तरह से क्या आया 30 अंक। तो अब देख रहे हैं यहां पर हमने ये 30 अंक लिख दिया है ठीक है, यानी 75% अंक विद्यार्थियों को प्राप्त हो जाते हैं या उससे ऊपर प्राप्त होते हैं तो उसको हमको ए ग्रेड देना। यदि मान लो 30 के बाद 31 है, 32 है, 33 है, 34 है, कोई भी अंक हो तो उसको ए ग्रेड मिलेगा, यानी 30 से ऊपर कहां तक 40 तक ए ग्रेड मिलेगा ठीक है। तो हमको क्या निकालना होगा यहां पर 75%, यानी 40 का 75% निकाल लिया यानी 30 आया, यानी 30 से 40 के मध्य मिलेंगे तो ए ग्रेड। अब इसी को हम आगे बढ़ा रहे बी ग्रेड के लिए तो 60% हमको निकालना पड़ेगा, 60% अंक। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां को करना पड़ेगा 60 का गुणा, तो हम गुणा कर देंगे 40 गुणा 60 बटा 100 दिया जाएगा, तो ये 1 से 1 कट गया और इसका गुणा कर देंगे 6 चौक 24 अंक निकल आया। देखिए यहाँ ये लिखा हमने बी ग्रेड 24 से 29 के मध्य, क्योंकि यहाँ 30 है इसलिए हमने यहाँ 29 कर दिया ठीक है, यानी 24 अंक मिलता है तो उसको बी ग्रेड मिलेगा, 25 मिलता है तो भी बी ग्रेड, 26 मिलता है तो भी बी ग्रेड है, 27 28 29 मिलता है तो उसको बी ग्रेड ही मिलेगा। इसी तरह से आप कोई भी पूर्णांक हो बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास पूर्णांक 200 है ठीक है, 200 पूर्णांक हमारे पास है मान लिया जाए तो 200 पूर्णांक में से हम कैसे निकालेंगे, या हम इसी को योग कर दे मान लिया जाए, इसी को योग करेंगे तो ये कितने हैं मान लो 4 विषय हैं और एक विषय के 150 अंक होंगे तो 4 विषय कितने होंगे 600 होंगे, हमारे पास 600 पूर्णांक है ठीक है, तो 600 पूर्णांक है तो 600 पूर्णांक का 75% निकालना है, 75% हमको निकालना तो 600 गुणांक 75% अर्थात 100 पर ये करना पड़ेगा, एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब गुणा कर दीजिए 75 में 6 का क्या जाएगा, 6 × 5 = 30 का शून्य हासिल कर 3 और 6 × 7 = 42 = 45 यानी 450 अंक आ गया, यानी 450 से 600 के मध्य यदि विद्यार्थी को प्राप्तांक मिलते हैं तो उसको ए ग्रेड देना है। बी ग्रेड निकालना तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है, 60/100 कर देना है ठीक है, ये तो ये 200 कट गए ठीक है, 6 × 36 यानी आ जाएगा 360, तो 360 से 449 यदि अंक इनके मध्य मिलते हैं तो विद्यार्थी को बी ग्रेड प्राप्त होगा। कोई भी पूर्णांक हो उस आधार पर हम आसान तरीके से ग्रेड ज्ञात कर सकते हैं, ये पूरी सारणी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। 600 अंक के आधार पर भी यानी जो पूर्णांक उसके आधार पर भी आप ग्रेड निकाल सकते हैं, चाहे 1000 अंक हो, 200 अंक हो, 500 अंक हो, किसी आधार पर भी हो तो आप निकाल। इसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर 75 निकाल देना है पहले ठीक है, यानी 600 का 75% निकालिए, फिर 600 का 60% निकालिए, 600 का 45%, 600 का 33% और 600 का जो 33% निकालिए, इसके बाद तो 33% के नीचे तो ई ग्रेड आ ही जाएगा ठीक है।
आसान तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। आप चाहे तो इस सारणी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिएगा। ठीक है, तो साथियों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।